वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम किस तरीके से बनाते हैं, इससे पहले दो वीडियो मैंने बनाए थे, उसमें मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन कैसे होते हैं। एक और वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब ये वाला दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेलो एल्केन को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो पांच तरीके हैं, एल्केन से आप बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं, हेलोजन विनिमय, हेलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया या वसीय अमडाउन द्वारा, ये पांच तरीके हैं। इन पांच तरीकों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है मेरे पास किससे, एल्केन के द्वारा। तो मैं शुरू करता हूँ, जो मेरा पहला तरीका है जिसके द्वारा हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो जो पहला तरीका हमारा है वो पहला तरीका है आपका एल्केन द्वारा। किसके द्वारा, एल्केन द्वारा। हमने क्या करना है, एल्केन से क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है हमने। तो हमने जैसे पहली क्लास में कहा था एल्केन का सूत्र क्या होता है, RH होता है। जब मैं इस पे किसी हैलोजन की अभिक्रिया करूँगा और कुछ भी कंडीशन यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे मेरी कंडीशन होगी, कोई ना कोई शर्त मेरी यहाँ पे होगी, और क्या शर्त होगी अभी मैं उसको आपको बताऊँगा। तो एल्केन द्वारा करेंगे तो सिंगल एकल बंद है तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। ये HX मेरा बाहर निकल जाएगा, ये HX मेरा बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा RX प्लस ऑफ योर HX हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्केन से क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि एल्किल हैलाइड, जैसे मुझे उदाहरण के तौर पे CH4 का CH4 है, CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3H, CH4 है ये। तो अगर मैं इस CH4 पे इस CH4 का फ्लोरीकरण करूँ, फ्लोरीकरण का मतलब हो गया फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ये अभिक्रिया अंधेरे में हो जाती है, डार्क में हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, ये यहाँ से HF को बाहर निकाल देता है। किसको बाहर निकाल देता है, HF को बाहर निकाल देता है और ये बना देता है मेरा CH3F बना देता है, फ्लोरोमेथेन बना देता है। इसी तरीके से अगर मैं CH4 का क्लोरीनेशन करूँ, क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन से अभिक्रिया, तो फ्लोरीनेशन जैसे अंधेरे में हो रहा था उसी तरीके से क्लोरीकरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब फ्लोरीकरण किसमें हो रहा, अंधेरे में, सूर्य और क्लोरीकरण आपके किसमें होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जाएगा। तो HCl बाहर निकल जाएगा मेरा और ये बना देगा मेरा CH3Cl और HCl अलग से आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसी मैथेन का ब्रोमिनेशन करूं, ब्रोमिनीकरण, देखो एक फ्लोरीकरण फ्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीकरण क्लोरीन से अभिक्रिया, ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन से अभिक्रिया, तो यहाँ से HBr मेरा बाहर निकल जाएगा। तो HBr बाहर निकलेगा तो ये क्या बना देगा, CH3 ऑफ Br बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये अभिक्रिया आपका कैटालिस्ट की उपस्थिति में होगा, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं आपकी संपन्न होंगी। और अगर मेरे पास क्या है, CH3H प्लस आई, अगर मैं आयोडीनेशन करूं, आयोडीनेशन का मतलब हो गया आयोडीन के साथ अभिक्रिया, तो इसके लिए मेरे को कैटालिस्ट की जरूरत तो होगी, उत्प्रेरक की, क्योंकि ये अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब क्या हो गया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ये। तो यहाँ पे मुझे कैटलिस्ट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीकारक की भी जरूरत पड़ेगी, और वो ऑक्सीकारक कौन से हो सकते हैं मेरे, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये HI बाहर निकल जाएगा और ये क्या बना देगा, मेरा CH3I बना देगा। तो हमने एक चीज समझी यहाँ पे, सबसे पहले फ्लोरीकरण, फिर क्लोरीकरण, फिर ब्रोमीकरण और फिर आयोडीकरण। क्लोरीनेशन किसमें होता है, अंधेरे में होता है, क्लोरीनेशन किसमें होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, HMU मतलब सूर्य का प्रकाश। ब्रोमिनेशन किसकी उपस्थिति में होता है, कैटालिस्ट की उपस्थिति में। और आयोडीनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, कैटालिस्ट तो होगा ही आपके साथ, लेकिन उस कैटालिस्ट के साथ भी क्या 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 होगा, ऑक्सीकारक भी होगा, दोनों चीज होंगे भी उसके साथ, क्या भी होगा, ऑक्सीकारक भी होगा। बात समझ में आई,
ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अगर मैं अभिक्रिया का अभिक्रियाशीलता देखूं हैलोजन का, तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, हैलोजन। ये हो गया मेरा किसका क्रम हो गया, ये अभिक्रिया का क्या हो गया, अभिक्रियाशीलता का क्या हो गया, क्रम हो गया है मेरा। इसी तरीके से सॉरी, एल्केन से कैसे बनाते हैं, हम क्लोरीकरण कर सकते हैं, फ्लोरीकरण कर सकते हैं, ब्रोमीकरण कर सकते हैं और आयोडीकरण कर सकते हैं, और क्या क्या शर्तें होंगी ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब एक और बात है कि ये जो अभिक्रिया होती है, ये आपका देखिए, कोई किसी भी चीज को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होती है इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्री मतलब बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा मात्रा में अगर किसी चीज का आपको उत्पादन करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल मेथड आता है, औद्योगिक विधि आती है। और एक क्या होता है कि जब आपको लैब में बनाना होता है तो वो लैब मेथड कहलाती है। तो ये आपका ये एल्केन द्वारा ये सब क्या है आपका इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। कैसी विधि है, औद्योगिक विधि, औद्योगिक मतलब औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि विधि होती है ये, ठीक। तो मैं यहाँ पे देखूंगे कि हेलोजिनेशन कैसी मुक्त मूलक की उपस्थिति में होता है। अब देखिए, अगर मेरे पास, मैं इस CH4, इस CH4 को ऐसे लिख सकता हूँ, CH3H ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं स्पेस इसका क्लोरीनेशन करूं एच म्यू की उपस्थिति में, HCl बाहर निकल गया तो ये आ गया CH3Cl। अब ये CH3Cl में ये जो क्लोरीन है, ये अभिक्रिया यहीं पे नहीं रुकेगी, ये अभिक्रिया आपकी, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3Cl को आपका ClCH2H, अभी भी ये CH3Cl है। और अगर मैं इस पे ClCl की रिएक्शन फिर कर दूं तो एक HCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बना देगा, CH2Cl2। देखो, एक Cl ये, एक Cl, दो Cl आ गए और CH2Cl। अब ये जो CH2Cl2 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और अगर फिर से इस पे इसका क्लोरीनेशन करूं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर से HCl मेरा बाहर आ जाएगा और ये क्या बना देगा, CHCl3। और ये CHCl3 पे अगर आप फिर से Cl2 की रिएक्शन करेंगे, ये हाइड्रोजन फिर बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपका क्या Cl आ जाएगा और क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। तो हम ये पहले तरीके से बताया हमने एल्केन से कैसे बनाएंगे। अब जो दूसरा तरीका है मेरे पास, वो दूसरा तरीका है कि आप एल्कीन से कैसे बनाएंगे। अभी तक आपने देखा एल्केन से कैसे बनाएंगे, अब हो गया दूसरा, हो गया है एल्कीन द्वारा। और एल्कीन द्वारा को करने के लिए मुझे क्या देखना होगा, देखिए जैसे हो गया है मेरे पास एल्कीन, कोई एल्कीन उठाता हूं मैं, यहाँ पे मुझे मार्कोफनीकोफ के नियम की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये हो गया जैसे CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH2, ये एक एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर मैं इस पे किसी हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया करूँ, HBr की अभिक्रिया करूँ, और HBr की अभिक्रिया करूँ, क्योंकि ये तो क्या है, सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एक ही जैसा है ये सिमेट्रिकल, तो ये HA कहीं पे भी जोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH2 में एक हाइड्रोजन जुड़ा, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और CH2Br हो जाएगा। तो ये हो गया है आपका एल्कीन पे अगर आप इसकी क्रिया करेंगे, हैलोजन अम्ल की क्रिया करेंगे। अब देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड ऑफ, जैसे अगर आपके पास ऐसा है CH3CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, डबल बॉन्ड ऑफ CH2, ये है आपके पास एक कंपाउंड। अगर मैं इस पे HBr की अभिक्रिया करूं तो मुझे एक नियम मैंने कक्षा 11 में पढ़ा था जिसको कहते हैं मार्कोफनीकोफ का नियम। लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे, मार्कोफनीकोफ का नियम। तो हम यहाँ पे देखते हैं मार्कोफनीकोफ का नियम क्या है। मार्कोफनीकोफ का नियम कहता है कि देखिए, जैसे ये HBr है, इस HBr में
ये आगे वाला धन है, पीछे वाला ऋण है, हमेशा इसको समझिए, आगे वाला धन पीछे वाला ऋण। और यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया में हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक वाला हिस्सा वहां पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु अभिक्रिया का हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक वाला हिस्सा वहां पे जुड़ेगा जहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH और CH2CH, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ पे Br। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी। ये क्या है, मार्कोफनिक रॉक। और अगर मुझे एंटी मार्कोफनिक ऑफ करना होगा, एंटी मार्कोफनिक ऑफ में क्या होगा, ये Br पीछे से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन आगे से जुड़ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये है मार्कोफनिक ऑफ का नियम। मार्कोफनिक ऑफ कहता है कि अभी के हाइड्रोजन अम्लों का ऋणात्मक वाला हिस्सा वहां पे जुड़ता है एल्कीन में जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये हो गया है मेरा मार्कोफनिक ऑफ का नियम। दो पढ़ दिए हमने, अब हम तीसरा पढ़ेंगे एल्कोहल के द्वारा। किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे, जरा इसको देख लेते हैं। और ये क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा है ये, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए एल्कोहल द्वारा। ये बढ़िया सवाल है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। तो एल्कोहल द्वारा, तो एल्कोहल द्वारा हम कैसे बनाएंगे, जरा इसको देख लो। एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल क्या होता है, ROH, ये एल्कोहल हो गया। अगर इस एल्कोहल पे मैं किसी भी हेलोजन अम्ल की क्रिया करूँगा, हेलोजन अम्ल क्या है मेरे, HBr है, HCl है, कुछ भी की अभिक्रिया करूँ, और यहाँ पे होगा क्या कि ये H2O निकल जाएगा, यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ये क्या बना देगा मेरा, Rx plus of H2O। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, क्योंकि निर्जलीकरण मतलब होता है जहां से जल आपका बाहर निकल रहा हो। जैसे मेरे पास है CH3OH, अगर मैं इस पे HCl की अभिक्रिया करूं तो यहां से H2O मेरा बाहर निकल गया और यहां पे क्या बन जाएगा मेरा, CH3Cl बन जाएगा। और यहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज जो निर्जली कारक का काम करे। तो ZnCl2 एक बढ़िया निर्जली कारक है, या और भी निर्जली कारक है। तो ZnCl2 यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास अगर C2H5OH है और मैंने उस पर अगर HBr की अभिक्रिया की, तो H2O बाहर निकला और ये क्या बना देगा, C2H5Br। एक बात यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये क्या है, एल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, एल्कोहल का। एल्कोहल का मतलब क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल जल को सबसे पहले निकालेगा और प्राइमरी एल्कोहल सबसे देर में निकालेगा। और जबकि हेलोजन अम्लों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है, हेलोजन अम्लों की अभिक्रियाशीलता का क्रम ये है, ये है हेलोजन अम्लों की अभिक्रियाशीलता का क्रम ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HI सबसे पहले टूटेगा, HI सबसे पहले निर्जलीकरण करके वाटर निकालेगा, फिर HBr, फिर HCl, इस तरीके से। तो एल्कोहल द्वारा अब हो गया है एल्कोहल। दूसरा तरीका है, हमारे पास एल्कोहल होते हैं, इस पे अगर मैं PCl5 या PCl3 की अभिक्रिया करूं, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे एक बात समझनी है मुझे, यहाँ पे आगे वाला धन है, पीछे वाला ऋण है, ठीक है, और इसमें भी धन और ऋण चले जाएगा। तो इस तरीके से चलेगा ये, यहाँ पे एक R है, 5 Cl है, एक तो RCl निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, HCl निकल जाएगा। अब मेरे पास क्या बचे हुए हैं, देखो एक फॉस्फोरस बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बच रखा है। अब 5 Cl थे, एक Cl एल्काइल ग्रुप के साथ गया और एक Cl किसके साथ गया, HCl के साथ गया, तो POCl3। तो इस तरीके से एल्कोहल पे जब मैं PCl5 की अभिक्रिया करूँगा तो एक RCl, HCl और POCl3 निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एल्कोहल पे किसकी क्रिया करूँ, PCl3 की क्रिया करूँ, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये तीन से गुणा। अब देखिए,
आपको क्या करना है, धन पीछे वाला ऋण है, आगे वाला धन है, पीछे वाला ऋण, आपने वाले धन के साथ आपको क्या करना है, ऋण वाला लाना। यहाँ कितने धन है आपके पास, एक धन है। यहाँ पे कितने क्लोरीन है आपके पास, तीन। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं, एक। तो इसको कितना से गुणा करना पड़ेगा, तीन से गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप इसको तीन से गुणा करेंगे तो ये निकाल देगा थ्राइस ऑफ RCl। अब देखो थ्राइस ऑफ RCl मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। देखो इसके धन के साथ दूसरे वाले का ऋण वाला हिस्सा आ गया है। और अब आपके पास बचा क्या है, एक फॉस्फोरस है और तीन क्या है, तीन OH है मेरे पास। तो मतलब क्या है, H3PO3। तो इस तरीके से हो गया है ये दोनों अभिक्रिया बहुत जरूरी है। अब आता है अगली अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ। अब थायोनिल क्लोराइड क्या हुआ, ये मेरा एल्कोहल है। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। तो यहाँ पे मेरे पास फिर से देखिए प्लस माइनस, और इस तरीके से मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं, मेरे पास दो Cl है, एक Cl ये और एक Cl ये। तो एक तो मेरा RCl निकल गया, एक ये RCl निकल गया, दूसरा मेरा HCl निकल गया। और अब मेरे पास क्या बचा, प्रोडक्ट क्या बचेगा, एक RCl हो गया, एक HCl हो गया। अब देखो एक SO ये है और एक ये है, तो क्या हो गया, SO2 हो गया है। देखिए आपको समझना क्या है, एल्कोहल के साथ PCl3 की रिएक्शन पे क्या बन रहा है, एल्कोहल के साथ PCl5 की अभिक्रिया पे क्या बन रहा है, एल्कोहल के साथ PCl3 और एल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, आपको इसको देखना है। थायोनिल क्लोराइड हो गया है। अगला है हेलोजन एक्स। अब थोड़ा सा दो अभिक्रियाएं और हैं हमारे पास, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। अगला क्या है, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। तो हेलोजन विनिमय अभिक्रिया में क्या है आपके पास RX, कोई भी RX है, इसके साथ अगर मैं कोई सॉल्ट लूँ NaX- कर दूँ अगर, तो ये हेलोजन एक्सचेंज कर देंगे। तो जैसे मेरे पास है CH3Cl है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूँ NaI के साथ रिएक्शन करूं और यहां पे इसे हीट करूं और एसीटोन एज ए सॉल्वेंट लूं, तो NaCl बाहर निकल आएगा और ये क्या बना देगा, CH3I और Cl। तो जैसे NaCl, जैसे आप यहां पे देखेंगे इस CH3 के साथ यहां पे क्या था, Cl, और प्रोडक्ट में क्या है, CH3I। तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ हेलोजनों का आदान प्रदान यहां पे हुआ है। अब अगर एक रिएक्शन है मेरे पास RBr प्लस ऑफ NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन की उपस्थिति में ये बना देता है RI प्लस ऑफ NaBr। इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकस्टीन अभिक्रिया। हेलोजन एक्सचेंज में है ये क्या है, फिंकस्टीन अभिक्रिया। ये देखो नेम रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन बहुत याद रखनी है आपको, हम उन पे बताएंगे भी हम कैसे करेंगे। ये है हमारी फिंकस्टीन अभिक्रिया। इसी तरीके से अगर मैं एल्किल ब्रोमाइड पे कोई भी मेटालिक फ्लोराइड ले लूँ, AgF धातु का फ्लोराइड ले लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RF प्लस ऑफ AgBr। और इस अभिक्रिया को कहते हैं स्टुवार्ड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, स्टुवार्ड्स अभिक्रिया। फिंकस्टीन वो है और ये क्या है, स्टुवार्ड्स अभिक्रिया। और आखिरी अभिक्रिया जो मेरे पास है वो है हंसडीकर अभिक्रिया, या फिर हम इसको कहते हैं हंसडीकर अभिक्रिया। हंसडीकर अभिक्रिया में क्या कहा, हंसडीकर या हेलोजन हंसडीकर, हंसडीकर अभिक्रिया। अब है हमारे पास क्या, हंसडीकर अभिक्रिया। हंसडीकर अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम कोई भी फैटिक एसिड ले लेते हैं, फैटिक एसिड RCO2 RCO RCH2 COO AG
सिल्वर सॉल्ट ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी रिएक्शन मैं बीआर के साथ करूंगा, बीआर के साथ करूंगा तो एक तो मेरा आरबीआर निकल जाएगा, ठीक, दूसरा मेरा यहाँ से एजीबीआर निकल जाएगा, तो अभिक्रिया कुछ कैसी हो जाएगी, आरबीआर प्लस ऑफ एजीबीआर और बचा क्या है आपके पास, CO2 बचा हुआ है, RCH2 है, RCH2Br हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है मेरी हुंसविकर अभिक्रिया। इस वीडियो में मैंने आपको एल्केन को हेलो एल्केन के बनाने के तरीकों के बारे में समझाया है। थैंक यू।